जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नगर निगम में शहर में जो रोड बन रही है वो PSR 2013 से 30% बिलो पे थी, मतलब उसकी जो कॉस्ट है लोग बना रहे हैं और उसमें भी उनको इनकम हो रही है, जो गवर्नमेंट ने रेट प्रेस्क्राइब कर रखी है जी शेड्यूल में उससे 30% 40% बिलो पे भी काम करते हैं और उसमें भी उनकी इनकम है। तो अभी जो जी शेड्यूल 2017 का राजस्थान का आ गया है उस जी शेड्यूल में जो 2013 की कॉस्ट थी उस कॉस्ट में रिडक्शन हुआ है, उस कॉस्ट में जनरली बढ़ती है क्योंकि हर साल 5% 7% कॉस्ट बढ़ती है हर मटेरियल की। जी शेड्यूल जो 2013 का था उस जी शेड्यूल में 2017 की जी शेड्यूल में प्राइसेस कम हुई है मटेरियल की। एक कंपोनेंट बढ़ जाता है सपोज 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा सेट है, दूसरे उसमें 9 पार्ट और भी है उसमें से करके तो उन 9 पार्ट की कॉस्ट भी है उसमें से। इवन दो जो गवर्नमेंट ने प्राइस दे रखी थी 13 में 4 साल बाद में उसकी प्राइस रिड्यूस हुई है तो सेट कंपोनेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग सेट काम कर ले लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है अपने को उसमें से जो व्यूअर्स है उससे किसी तरह का एडवाइस कि वो अपना छोटा सा उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्रीमान मारू साहब, राजस्थान में हमारे 3 चैप्टर हैं, उदयपुर में सबसे पुराना चैप्टर है, इसके बाद उदयपुर में नया चैप्टर बना, उदयपुर में नया चैप्टर बना, सभी चैप्टर बहुत अच्छा खनन उद्योग के हितों के लिए काम करते हैं। तो इस समस्या की जब बात हमारे साथियों के साथ हमारी चर्चा हुई तो सबका एक विचार था कि क्यों नहीं इस समस्या के बारे में राज्य सरकार के साथ और जो एक टेक्निकल संस्था है इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके साथ में मिलकर इस समस्या के समाधान के बारे में एक नेशनल लेवल की वर्कशॉप आयोजित की जाए और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये वर्कशॉप 2 दिन की आयोजित की है, जिसमें राज्य के बाहर से भी कई विशेषज्ञ आए और अपने अपने सुझाव देंगे पर विभाजन करेंगे। सैन स्टोन आप चले जाओ, विक्टोरिया, बूंदी, दुनिया जोधपुर, दुनिया भर के पहाड़ बने, ये सब जो वेस्ट ये बजरी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं और अगर हम इनको बजरी में कन्वर्ट करने में सफल होते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारी बजरी की जो नदियों से बजरी की खनन की वो हमारी उसका एक समाधान हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखकर ही हमने उन सभी कंपनियों को बुलाया है जो बजरी के निर्माण यंत्र बनाते हैं, बजरी मशीनें बनाती है वो भी हमारे यहाँ आई है, वो अपनी मशीनों का भी प्रदर्शन यहाँ पर करेगी और जो हमारे यहाँ के लोकल क्रशर वाले हैं हमारे यहाँ के ये मानते चले कि आप उदयपुर जोन में ही करीब 400-500 क्रशर होंगे बैठे हैं हमारे यहाँ, तो वो जो क्रशर वाले हैं उनका जो वेस्ट है वो भी बजरी में कन्वर्ट हो जाता है, करना चालू करते हैं और उससे उनको जो इनकम हो रही है उनका जो एडिशनल जो खर्चा था वो सारा खर्चा उससे मीट आउट हो जाता है। अब प्रश्न ये कि चलिए हम बजरी का निर्माण तो कर लें, किसी तरह से बड़े उद्योगपतियों को भी हम ले आएंगे, उनसे कहेंगे कि बड़े बड़े उद्योग लगा दो और बजरी बनाओ, इनसे भी वैसे पड़ा हुआ तो करना हो, लेकिन जनता में भी तो अवेयरनेस आनी चाहिए ना। आज आपको कोई कह रही है आपकी मशीन वाली बजरी मैनुफेक्चर बजरी काम में तो काम करेंगे सोचोगे कि मेरा मकान दे ये तो नहीं जाएगा मैं क्यों लूँगा इसको काम। तो इन सब इस समस्या के समाधान के लिए हमने आम जनता को भी हम रिक्वेस्ट करें कि वो वहाँ आए और देखें कि जो बजरी मशीनों से बन रही है उस बजरी में और लीवर की बजरी में कोई फर्क नहीं है, गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मानसिकता बदलने वाली बात है। तो उसको उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने आम जनता को भी हम आह्वान कर रहे हैं कि आप आए और जितने कॉन्ट्रेक्टर्स हैं जितने बड़े आर्किटेक्ट्स उनको भी हमने बुलाया है, PWD इरीगेशन वाटर पार्क उनके जो अफसर हैं उनको भी बुलाया था कि उनकी भी मानसिकता है बड़ी बढ़ती है। मैं आपको बताऊँ कि साउथ में आज की तारीख में 20-30% ये मैन्युफैक्चरिंग सेट काम आने लग चुकी है, आ रही है, ऑलरेडी आ रही है और वहाँ की सरकारों ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है कितने परसेंट बजरी से मैन्युफैक्चरिंग सेट ही काम करते हैं। तो ये जब स्थिति बाहर है तो क्यों नहीं हमारे यहाँ जब सारी अवेलेबिलिटी है गैस स्टोव की
और जिससे बदली बन सके वो हमारे पास है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो ये सब चीज़ें इस सेमिनार में हम डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा भी कई इश्यूज हैं जिसमें जो राजकीय विभागों के प्रतिनिधियों को हमने बुलाया है या यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं उनको भी हम बुला रहे हैं, तो उनके भी जो इश्यूज होंगे इसके बारे में। और सबसे बड़ा इश्यू तो राज्य सरकार ये भी साहब यहाँ बैठे हैं, हमने इनको इसीलिए इसमें इन्वॉल्व किया है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेंट बनाना चाहते हैं तो हमें कई तरह के नियमों में बदलाव करना चाहिए। जब तक हम नियमों में बदलाव नहीं करेंगे, जब तक हम वेस्ट को बदली में कन्वर्ट करने की परमिशन हम बड़े उद्यमों को नहीं देंगे जिनके पास वेस्ट पड़ा हुआ है, तो वो हमें सफलता नहीं देंगे। तो इस क्या क्या नियमों में बदलाव होने चाहिए जिससे लोग बाग इसकी तरफ आकर्षित हों और अपने यहाँ जितना भी वेस्ट पड़ा हुआ है उसको बदली में कन्वर्ट करके मार्केट में जाएँ, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है। आपकी जो भी जिज्ञासा है आप ये, जैसे कि आपने कहा कि साउथ में ये प्रोग्राम चालू हो चुका है, तो वो जो प्राकृतिक रेती है और जो वो बना के दे रहे उसमें रेट में क्या फ़र्क है? उसकी रेट में मेरे ख्याल से 20% का ज़्यादा उसमें रेट आ रही है। मैं बताऊँ उसमें बेंगलोर के अंदर करीब 80 से 100 प्लांट लगे हुए हैं, वो बेसिकली वहाँ ग्रेनाइट से बनाने वाली, उनकी कॉस्ट और भी ज़्यादा आती है। रिवर सेंड का एक ट्रक जो करीब 30 टन का पड़ता है वहाँ बेंगलोर के अंदर आज की तारीख में 1 लाख में मिलता है, करीब 1 लाख, कोई 90-95 होगा, कोई 110 होगा, लगभग 1 लाख में वहाँ ट्रेजी का एक ट्रक मिलता है। और रिवर सेंड में वाले के मैन्युफैक्चरिंग सेंट के प्लांट्स देख के आया हूँ, स्टडी करके आया हूँ, और मैन्युफैक्चरिंग सेंट वहाँ 60 से 70 हज़ार 65 हज़ार के आसपास एक ट्रक मिलता है, सेम क्वान्टिटी 30 टन के आसपास। तो मतलब जनता को फायदा होगा? कुल मिला के कोस्ट में जब ये प्लांट चालू हो जाएंगे तो कोस्ट में कोई विशेष फर्क नहीं होगा। और जो बजरी आज जो आपको अनुभव की बजरी जो आप दे रहे हैं वो जिस मौसम में पड़ रही है, मुझे तो ये मालूम है कि मेरे मुझे एक टन बजरी की जरूरत थी मेरे घर पर, जब मैं डलवाने के लिए 2000 रुपये लेके, ये एक महीने पहले की बात है। मान लो जैसे सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे देता है, सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि यस राजस्थान में बजरी आप बेच सकते हो और निकाल सकते हैं नदियों से, तो वो क्या रेट होनी चाहिए उदयपुर में? ऐसा है रेट की जहाँ तक नहीं, पब्लिक को क्या रेट में मिलनी चाहिए? रेट की जहाँ तक सवाल है, रेट का वो रेट उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगी जिन परिस्थितियों में वो अगले को बदली निकालने की परमिशन होगी, उसमें उसको कितना खर्चा आ रहा है, कितना मतलब उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सब चीज़ें और गवर्नमेंट कितने टैक्स दे रही है, वो सब चीज़ें मिलाकर और उसके बाद उसका प्रॉफिट को जोड़ के, नहीं लेकिन जो जैसे मान लो पहले खरका में था, अभी तो बंद है, तो खरका वाले को अगर किसी ने ठेकेदार ने ली है वो अगर कॉस्टली बेच रहा है तो कोई बनास से लाकर सस्ती बेच रहा है। अभी कॉस्ट का मैं आपको यहाँ का आइडिया देता हूँ, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेंट जो है ना अपनी एक साउथ में हुई है, अपने राजस्थान में भी मैन्युफैक्चरिंग सेंट चालू हो गई, कई जगह मैन्युफैक्चरिंग सेंट आज की तारीख में राजस्थान में भी हो रही है। भरतपुर में एक प्लांट लगा हुआ है जो दिल्ली और आगरा के आसपास को सप्लाई कर रहा है, जयपुर के अंदर करीब करीब 5 या 7 मैंने भी फीडबैक ली है प्लांट लगे हुए, एक आदमी का प्लांट करीब 2000 टन पर डे जयपुर में आज चल रहा है, 2000 टन पर डे। आप जानेंगे 2-3 प्लांट अपने उदयपुर लग चुके हैं, ये राजेश जी मुद्दा बैठे हैं, इन्होंने अपने वे से लगा दिया बजरी निकाल रहे हैं, ये इनका प्लांट आज अपने उदयपुर में भी चल रहा है, ये बजरी भी अपने उदयपुर में आ रही है। इस तरह से पाली के अंदर किसी ने प्लांट लगाया है, जोधपुर में किसी ने प्लांट लगाया है, अभी स्टेज में है कि अपने यहाँ प्लांट लगने चालू हो गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेंट अपने यहाँ बननी चालू हो चुकी है, तो अपने यहाँ पे भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और कॉस्ट की ज्यादा बात है, जयपुर में जो मैंने पता किया वो उसको मैन्युफैक्चरिंग आती है उसकी 300 से 350 रुपए पर टन, और उसको बेच रहा है 450 से लेकर 650 तक एज पर रिक्वायरमेंट जयपुर में। और मेरे ख्याल से राजेश जी बोला आप कितने बेच रहे हैं? 650 रुपए में उदयपुर में विथ रॉयल्टी विथ जीएसटी यहाँ पर सप्लाई।
अच्छा वो जो जो नहीं नहीं जो आप बनाते हो वो किस तरह के पत्थर से बनाते हो? हम जो हमारे क्रेशर की मिट्टी होती है जिसमें 10 mm की मिट्टी होती है, उस 10 mm की मिट्टी को VSI मशीन है जो सेटिंग मशीन होती है उसमें उसमें डाल के फोड़ के उसको गोल दाना बनाते हैं बिल्कुल बारीक रेत के साथ। अच्छा जो आपने जैसे बताया था कि 4.75 mm से लेके 150 mm ये एक आपने कहा था कि ये RSMM वाले जो उनका वेस्ट पड़ा RSMM का वो भी वो क्या ऐसा है कि RSMM का जो वेस्ट डंप है उसको हमने टेस्ट करवाया है, उस सेमिनार के अंदर उसके रिजल्ट्स हम देंगे, उसकी सारी टेस्ट एनालिसिस आई है कि वो प्रोसेस में है या उसके सैंपल्स वगैरह भी हम देंगे, तो उसका फिर एक वे आउट निकाला जाएगा वो बेस्ट जैसे मिल सके, क्योंकि वो एक लीगल प्रोसेस है, आपको देखना पड़ेगा वो कैसे और बेटर पब्लिक में मिल सके और वो आ सके, वो एक बात की इशू है पहले, लेकिन वो टेक्निकली बदली के लिए सुटेबल है, वो हम लोग इस सेमिनार के दौरान उसको प्रूव करेंगे। सर ये सुप्रीम कोर्ट में क्या आपको मतलब नहीं मिलेगा चांस क्या सुप्रीम कोर्ट के अपना अपना जो आपका जो वकील है वो क्या सही फाइट नहीं कर सक रहा क्या? इसमें इशू ऐसा है भाई, जब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जितनी स्टैंड बनती है रिप्लेनिशमेंट जितना हो रहा है उतनी मनी ठीक है उसमें क्वांटिटी आ जाएगी, टोटल रिजर्व कितना है उसमें से आप ईयरली कितना निकाल सकते हो उतना ही आप उसमें से कर सकेंगे, तो अभी जिस तरह की माइनिंग हो रही थी उसका 1/4 या 1/5 मटेरियल ही आप उसमें से सेंड निकाल पाएंगे, तो वो कोई बैन हट भी जाएगा, माइनिंग शुरू भी हो जाएगी, तो वो कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, अल्टीमेटली जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा एम सेंड से। पर सर आपने राजस्थान की जनता इसमें परेशान हो रही है, आप सब जान रहे हो और आप स्वयं खुद कह रहे हो, तो क्यों नहीं एक बार जैसा भी ऑर्डर मिलता है वो तो ले लो। आप स्वयं कह रहे हैं भाई उसमें कुछ मतलब दो एक जानकारी देना चाहता हूँ मैं, बांसवाड़ा में चित्तौड़गढ़ से फिर बांसवाड़ा जो है नेशनल हाईवे बना है क्योंकि उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर वहाँ के कलवर्ट्स और ब्रिजेज में वो सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड सैंड ही काम में लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ने, वो उस टोटल रोड के ऊपर ये मैंने जो लोग जो उसके जो सुपरवाइज़र थे वो उनसे ना पर्सनली मैंने चेकअप किया कल, और जो इंजीनियर है फिर अभी तो नेशनल हाईवे का अब उससे चेकअप किया, अब उसने ये ना कन्फर्म किया कि रिवर सैंड बिल्कुल भी काम में नहीं ली गई है, दिस इज वन पॉइंट। सिक्स लाइन जो अभी से उधर
यहाँ के अहमदाबाद वाला जो रोड है ना, इसके तरह से में जो स्पेशल लगे हुए हैं उनकी एक्सेंट अपने अहमदाबाद वाले हाईवे में उनकी। अरे साहब वो तो बड़े बड़े ठेकेदार है वर्ल्ड लेवल के यार, उदयपुर की जनता या राजस्थान की जनता परेशान हो रही वो मुद्दा हो। हाँ वो तो क्या बड़े बड़े ठेकेदार हैं, सब मिल जाते हैं, इंजीनियरिंग सेटिंग हो जाती है, हो जाता है। हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को क्या जल्दी बेनिफिट दे सकते हो आप। खत्म ही हो रही है और वो सुप्रीम कोर्ट अलाउ भी कर देगा, तो जो इतना पैसा उसने दिया बोली लगा के लीज दी है तो उस हिसाब से तो क्वान्टिटी वो निकाल नहीं पाएगा, तो कब निकालेगा फिर वो महंगी बेचेगा। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता जैसे टोटल का, जैसे कच्ची मिट्टी खेत की, यानी खेत की मिट्टी से ही कोई आपके इंजीनियर्स वगैरह बना दे कोई, इसमें सीमेंट मिलाओ ये काम हो जाए। वर्कशॉप की रिकमेंडेशन के आधार पे स्टैंड तो नए इंजीनियर को पैदा करो, क्या पता स्टैंड लिया। स्टैंड का मतलब होता है सैंड में सिलिशियस मटेरियल, सिलिका बोलते हैं, सिलिका की सर्टेन परसेंटेज चाहिए होता है। आज जैसे ये इस बार में एक सैंड बना रहे हैं, अभी ये डोलोमेटिक लाइम स्टोन है, डोलोमेटिक लाइम स्टोन में 15 से 20 25 परसेंट तक सिलिका है, तो वो सिलिका का काम जो सैंड में है वो का वो मटेरियल 25 30 परसेंट उसमें है, 20 परसेंट है उसमें, तो उससे जो कंपोजिशन बनेगा सीमेंट का वो उसको फुलफिल कर लेगा उसमें से, क्योंकि जो सीमेंट बन रही है सीमेंट में भी आज मतलब 25% 30% फ्लाई एश मिला है डायरेक्ट, जो क्लिंकर बनता है क्लिंकर को ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद में उसमें वो मिला रहे, तो उसमें भी जो दूसरा कंपोजिशन आ रहा है उसमें 20-25% जो सिलिका है वो का वो सैंड में कंपोजिशन है, उससे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आ रही है और उसको यूज कर सकते हैं। प्योर लाइम स्टोन है, जैसे अपन जोधपुर में चले जाए, गॉटन वगैरह चले जाए, सोजेस चले जाए, उस लाइम स्टोन के वेस्ट से सैंड नहीं बन सकती क्योंकि उसमें 95% कैल्शियम कार्बोनेट है, सिलिका है ही 1% है। जैसलमेर का लाइम स्टोन है उसका बेस्ट है 100 किलोमीटर में है वो, उससे सैंड नहीं बन सकती क्योंकि उसमें 0.5% सिलिका ही है। ये सिलिका जिसमें 15-25-30% सिलिका है उस सिलिका वाले लाइम स्टोन को यूज किया जा सकता है और यही उसका एक बेसिक क्राइटेरिया है। सैंड में भी वो सिलिका होती है, उस सिलिका के अकॉर्डिंगली वो सिलिका ही वर्क करती है, बाद में जो कंपोजिशन कॉम्पैक्ट होकर उसकी स्ट्रेंथ वगैरह रहता है जो फुली सेटल हो जाता है उसमें से, उसके बाद में उसकी लाइफ डिसाइड होती है कि 60 साल की लाइफ है 100 साल की लाइफ है उसकी बिल्डिंग की, वो उस सिलिका के उस कंपोजिशन पे डिपेंड करता है मेनली उस। बाकी जो दूसरा है जैसे लाइफ स्टोन अपना काम में ले लिया ये तो वो क्या है उसमें वाइट क्रिएट हो जाएगा। अभी सिलिका है अपना सैंड स्टोन है यहाँ का, उसमें 90-95% सिलिका है, ग्रेनाइट है 70-75% सिलिका है, तो उसको क्रश करने में स्ट्रेंथ लगेगी, उसमें पैसा लगेगा, बट अगर वो वेदर्ड है उसकी बहुत अच्छी सैंड केमिकल उसमें काम में ले रहे हैं उसमें से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो इस पर साइंटिफिक स्टडी भी लोगों ने की है कैसे सैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या क्या क्वालिटीज आ सकती हैं, और क्योंकि प्रकृति वाली सैंड तो खत्म होने वाली है, आने वाले समय में खत्म होगी धीरे धीरे क्योंकि उपयोग बढ़ता जा रहा है, उपयोग इतना बढ़ रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और फिर आपके जो जिज्ञासा जागृत हुई पत्रकार बंधुओं में और उनका जो जो रिप्लाई आंसर दिए गए कोठारी साहब ने, मारू साहब ने, डॉक्टर साहब ने और राजेश मुंद्रा साहब ने जो कि एम सेंट बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड सेंट बना रहे हैं और बताया कि 650 रुपए पर टन में उनकी सेंट अवेलेबल है और जो लेबोरेटरी से टेस्ट मिले हैं वो इस तरह के मिले हैं कि जो प्रकृति वाली सेंट है उससे भी ये सफाई है, टेस्ट रिजल्ट्स में वो उससे बेहतर है जो मैन्युफैक्चर्ड सेंट है। हम मैन्युफैक्चर सेंट के कोई एडवोकेटिंग नहीं कर रहे हैं, हमको रिजल्ट्स बताए गए हैं वो इस तरह के हैं कि जो प्रकृति से उपलब्ध सेंट है उससे बेटर सेंट वो मैन्युफैक्चर सेंट उपलब्ध है और सस्ती उपलब्ध हो रही है। और ये जो दिक्कतें समस्याएं हम सभी के सामने आ रही है, रिवर सेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, उन समस्याओं को निराकरण हेतु और उन समस्याओं पर डिस्कशन के लिए ही इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और मैं इस मंच के माध्यम से सर्वप्रथम MEI, BMD
और डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग मानव पाल यूनिवर्सिटी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी के अथक प्रयत्नों के फलस्वरूप इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कुछ दो तीन पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ, अधिकतर पॉइंट्स डिस्कस कर लिए गए हैं। हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो फाइनाइट है, लिमिटेड है, उनका एक समय तक ही अपन दोहन कर सकते हैं, और क्योंकि इनका दोहन सस्टेनेबल नहीं है कंटिन्यूसली, साइंटिस्ट को और साइंटिफिक एजेंसीज को कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा कि इसका अल्टरनेट क्या होगा। कंस्ट्रक्शन के लिए बजरी की जो रिक्वायरमेंट है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो रिक्वायरमेंट है। अब बात यह आती है कि बजरी का अवेलेबिलिटी नहीं है, प्राकृतिक रूप से जो बजरी अवेलेबल है वो लिमिटेड है, फाइनाइट है। तो बात ये नहीं है कि हम आज अल्टरनेट ढूंढे या कल ढूंढे, अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है, लिमिटेड है। तो बेटर है कि जितनी जल्दी इसका सॉल्यूशन ढूंढ सके, वो सिमिलर कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट किया जाए। राठौड़ साहब ने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। हर रोग से बदली और उसका अल्टरनेट नहीं बन सकता, उसमें जो कुछ कंस्टेंट्स हैं जो कि उसकी एक स्ट्रेंथ को देती है, उन कंस्टेंट्स का होना जरूरी है। ओडिशा के कोठारी साहब और डीएमजी साहब ने बताया कि हमारे पास में वेस्ट के पहाड़ हैं, एटलीस्ट इन पहाड़ों में से 10% पहाड़ों को भी हम लोग एड्रेस कर पाएंगे तो हमारे लिए आम के आम और गुटलियों की दाम वाली बात होगी। एक तरफ पब्लिक की सेवा होगी जिनको की बजरी नहीं मिल पा रही है, दूसरी तरफ जो माइंस जिस वेस्ट से स्ट्रगल कर रही है उस वेस्ट से उनको निजात मिलेगी। तो इसके माध्यम से मैं पत्रकार बंधुओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस सेमिनार का, इस वर्कशॉप का, इस कार्यशाला का आप जनता में प्रिंट मीडिया के थ्रू आप प्रचार करें, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करें। और जैसा कि राठौड़ साहब ने बताया वो कौन कौन से कंस्टेंट्स हैं जो बदरी में होते हैं और उस एम सेंट में वो किस तरह से पाए गए हैं, जनता को जागरूक करके उस कार्यशाला तक लेके आए, जितने लोग आप उसको देखेंगे उन पर कॉन्फिडेंस होगा। हम कार्यशालाओं में कितनी बात कर लें, जब तक उन टेक्निकल आस्पेक्ट पर डिस्कशन नहीं होगा कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मेरे को भी यदि कोई मकान बनाना होगा तो एक बार सोचूंगा पता नहीं बजरी का अल्टरनेट ठीक है कि नहीं है, पर एक साइंटिफिक विधि से उनको चेक करने के बाद में जो भी कंस्टेंट दो तीन कंस्टेंट निकलते हैं उन पैरामीटर्स के ऊपर यदि एम सेट को हम डिफाइन कर सके, लोगों में कॉन्फिडेंस दे सके, एक पब्लिक की सच्ची सेवा होगी। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आप इसका प्रचार प्रसार करें।